नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बरेली से बड़ी खबर सामने आई है, आपको बता दें, जहां सेना भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सेना भर्ती में फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करने पर ये तीन शातिर युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें चले कि मिलिट्री हॉस्पिटल से इन तीनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों ही युवक मेडिकल के लिए पहुंचे थे और शातिर युवक दो अभ्यर्थियों की जगह वहां पहुंचे थे। शातिर फोटो मिलान के दौरान ये गिरफ्तारी की गई है। कैंट के मिलिट्री हॉस्पिटल से ये गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि बड़े फर्जीवाड़ा को जो है पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है और इसी बीच दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कैंट के मिलिट्री हॉस्पिटल से ये गिरफ्तारी की गई है, जहां दो बहरूपीय किसी और की जगह मेडिकल टेस्ट करवाने पहुंचे थे। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सेना भर्ती के मामले में एक बड़े फर्जीवाड़ा को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। और बताते चले कि इस फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ करते हुए मिलिट्री हॉस्पिटल से तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें युवक यहां पर मेडिकल के लिए पहुंचे थे और दो लोगों को फोटो मिलान के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान दो अभ्यर्थियों की जगह पहुंचे थे ये शातिर आरोपी, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़े फर्जीवाड़े की साजिश को नाकाम कर दिया गया। पुलिस की सतर्कता की यहां पर यह कहानी देखने को मिल रही है, जहां पर पुलिस ने कैंच के मिलिट्री हॉस्पिटल से ये गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि दो युवकों की जगह पर ये शातिर आरोपी बरेली के एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में पहुंचे थे, एक अस्पताल में पहुंचे थे, जहां पर तीन शातिर युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीन में से दो युवक जो थे किसी अन्य की जगह पर मेडिकल कराने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुंचे थे और इस दौरान जब फोटो मैच की गई और शक्ल मैच करने की बारी आई, उस दौरान इन दोनों युवकों को पकड़ लिया गया और इसके बाद पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद इन तीनों अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी बीच अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर ये खबर सामने आई है। भव्य रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन यहां पर किया गया है। 29 और 30 अगस्त को भव्य रामायण कॉन्क्लेव प्रदेश के पांचों सांस्कृतिक अंचलों में किया जाएगा। बता दें इस कॉन्क्लेव को अवधांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, ब्रजांचल, पश्चिमा भगवान श्री राम के प्रसंगों पर यह होगा। और इसी बीच रामायण कॉन्क्लेव लोक कलाओं के माध्यम से रामायण कॉन्क्लेव का यह आयोजन किया गया है, जहां पर आपको बता दें अयोध्या से ये खबर देखने को मिल रही है, जहां भगवान श्री राम के प्रसंगों पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के जरिए रामायण कॉन्क्लेव किया जाएगा, जहां पर भगवान राम की जो अब तक भगवान राम की जो भी कुछ माया रही है, जो भी उनसे जुड़ी कहानियां हैं, वो इस कॉन्क्लेव के जरिए दिखाई जाएंगी और संस्कृति का बेहतरीन प्रदर्शन इस रामायण कॉन्क्लेव के जरिए किया जाएगा। बड़ी खबर अयोध्या से इस वक्त आ रही है, जहां पांचों सांस्कृतिक आंचलों में ये कॉन्क्लेव किया जाएगा, जहां पर आपको बता दें कि अवधांचल, पूर्वांचल, बुंदेलखंड में ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जहां भगवान राम की लीलाओं को दिखाया जाएगा। ब्रजांचल, पश्चिमांचल में भी रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। बता दें भगवान श्री राम के प्रसंगों पर आधारित होगा ये कॉन्क्लेव और पांच सांस्कृतिक जगहों पर जो है ये कॉन्क्लेव किया जाएगा। लोक कलाओं के माध्यम से रामायण कॉन्क्लेव का ये आयोजन किया जा रहा है और भगवान राम की कलाओं पर और लीलाओं पर आधारित है ये रामायण कॉन्क्लेव। और अयोध्या में इस कॉन्क्लेव का जोर शोर से आयोजन किया जाएगा। 29 और 30 अगस्त को इस भव्य रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। पांचों सांस्कृतिक आंचलों में ये कॉन्क्लेव आयोजित होगा, जहां आपको बता दें पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और अवधांचल में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है।